ना बैंड ना बाजा ना खास बारातियों की धूम। जी हाँ, आजकल COVID-19 के चलते शादियों में कुछ ऐसा ही नजारा देखा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो इन दिनों में शादियों का हंगामा होता है, लेकिन फिलहाल पूरे विश्व पर छाए हुए कोरोना के बादलों की वजह से हर त्योहार हर कार्यक्रम बेहद साधारण तरीके से मनाया जा रहा है। जहाँ बात करें शादी की, तो भाई रीति रिवाज, शाही खाना, बैंड बाजा, सजना सवरना, बाराती नाच गाना होना, ये तो लाजमी है। लेकिन अब आपातकालीन परिस्थितियों के कारण ये सारी बातें शादी से गुमनाम हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के कई शहर और गांव में ऐसी ही शादियां संपन्न हो रही हैं, जहां दुल्हा दुल्हन, माता पिता, उनके 3-4 खास चंद मेहमान और पंडित, बस हो गई शादी। ठाणे जिले के मीरा भाईंदर शहर में भाईंदर पश्चिम के 60 फीट रोड पर एक ऐसी ही शादी का नजारा देखने मिला। एक छोटे से मंदिर में लड़का और लड़की अपने कुछ चंद मेहमान नवाजियों की उपस्थिति में विवाह के बंधन में बंध गए। इस सुनहरे मौके पर हमने दूल्हा और दुल्हन से भी बातचीत की। लॉकडाउन में शादियों की कुछ है परमिशन के लिए, तो डिफिकल्टी तो ठीक है, बट इजीली हो गया वेडिंग, बस फैमिली मेंबर्स आ गए, शांति से हो गया। आपकी शादी कितने लोग हैं? 10-11 लोग। इस नई जोड़ी को आशीर्वाद और बधाई देने शहर की विधायक गीता जैन भी इस शादी में उपस्थित रही। दुल्हा दुल्हन को उपहार देते हुए उन्होंने एक तस्वीर भी इस जोड़ी के साथ खींचकर इस मौके को यादगार बनाया। देखिए, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं थी। आज जैसे इस कपल ने हिम्मत की है, इनके घर के तीन लोग, इस घर के 5-3 लोग, इन्होंने मिलके यहाँ मंदिर में बहुत सिंपल तरीके से शादी की है। सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र है, क्योंकि अब हमें कोरोना के साथ शायद इसी तरह की शादियां अटेंड करनी पड़े जब तक कोरोना अस्तित्व में है। कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि हमें अब कोरोना के साथ जीना सीखना है। एक्सेप्ट करिए कि ये भी आपके जीवन का एक हिस्सा है, तो इस हिस्से के साथ साथ हमें कैसे जीवन स्टाइल हमारी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस कपल से प्रेरणा लेके हमारे शहर के ही नहीं, हमारे देश में 3-4 शादियां मैंने देखा है समाचार में, इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हुई है। तो ये सभी बधाई के पात्र है कि उन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई कि आइए हम इस सिंपल तरीके से भगवान के सामने मंगल फेरे लिए हैं। और मैं इनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हूँ, इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इतने सिंपल तरीके से आपके जो मुहूर्त आपके लिए निकाला गया था उसी मुहूर्त में आपने शादी की, इतने सिंपल तरीके से शादी। कोई त्योहार हो, उत्सव हो या निजी कार्यक्रम, अब हमें कोरोना को स्वीकार कर आगे बढ़ना है। ये आने वाले समय की हकीकत है।